बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, जिए भुट्टो। आज हम नईमुद्दीन सियालवी साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में खुशामदेद कह रहे हैं, और पी साहब की वजह से हमें ये मौका मिला कि हम सियाल शरीफ आए और आपसे मुखातिब हो। हम आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में खुशामदेद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जमात है, सियालवी साहब कायदे अवाम ने हमें इस जमात के लिए चार असूल दिए थे, और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उन असूलों में इजाफा करके हमें पांच असूल दिए हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, के पांच असूल कि एक, इस्लाम हमारा दीन है, दो, जमहूरियत हमारा सियासत है, मुसावात हमारा मईशत है, ताकत का सर चश्मा अवाम है, और शहादत हमारा मंजिल है। हम सियासत करते हैं इस मुल्क के अवाम की खिदमत करने के लिए, हमारा जिद्दोजहद है, और हम इन पांच उसूल पे कभी सौदा नहीं कर सकते, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का दिया हुआ नजरिया है। हम आपको शहीदों के जमात में खुशामदेद कहते हैं। कायदे अवाम और शहीद रानी ने जिस जमात की क्यादत की, वो इस मुल्क की गरीब आवाम की आवाज बनने के लिए, इस मुल्क के मजलूम आवाम को अपने हकूक पहुंचाने के लिए, और वक्त का फरौन, वक्त का जालिम, वक्त का आमिर के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। हमने आमिर अयूब और याहिया का मुकाबला किया, हमने जनरल जियाल हक का मुकाबला किया, हमने आमिर मुशर्रफ का मुकाबला किया, और सियालवी साहब आपकी मदद से हम वक्त का जालिम का, इस कठपुतली हुकूमत का, इस सिलेक्टेड वजीर आजम का मुकाबला करने के लिए मैदान में निकले हैं। हमने ऐलान जंग कर चुके हैं। इंशाल्लाह ताला, 27 फरवरी को हम कराची से निकलेंगे, इस्लामाबाद के रुख करेंगे, और इंशाल्लाह ताला जब हम आपके साथ इस्लामाबाद पहुंचेंगे, अपने मुतालबात इस हुकूमत के सामने, पूरी दुनिया के सामने रखेंगे, और इस मुल्क के आवाम को इस मुल्क मुश्किल से निकालेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जब से ये हुकूमत आए हैं, तब्दीली के नाम पे तबाही चल रहा है। हमने तो पहले दिन से इनको सिलेक्टेड कहा, हमने पहले दिन को कहा था कि ये जो डील आप करने जा रहे हो आईएमएफ के साथ,
ये मुल्क का मफाद में नहीं है, ये अवाम दुश्मन डील है, ये गरीब दुश्मन डील है। हमारा मईशत, हमारा मुआशी खुद मुख्तारी का सौदा है। आपका ना अहली का बोझ, आपका इस डील का बोझ इस मुल्क का आम आदमी उठाएगा। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की सूरत में इस मुल्क के अवाम आपका नाकामी का बोझ उठाएगा। और फिर आपने देखा कि 3 साल के अंदर ही अंदर इस हुकूमत ने सारे के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं। वादा किया था 1 करोड़ नौकरियों का, वादा किया था 50 लाख घरों का, वादा किया था करप्शन से निजात दिलाने का। क्या हुआ उन वादे का? 1 करोड़ नौकरी देने तो दूर की बात, कठपुतली ने जिनके पास रोजगार मौजूद था उनसे भी रोजगार छीना है। 50 लाख घर बनाना दूर की बात। इस जाले में उस उन गरीबों के सर से छत छीने हैं जिनके पास पहले से छत मौजूद था। एनक्रोचमेंट के नाम पे मुल्क भर में गरीबों के सर से छत छीना गया है। पिछले हफ्ते हम मुल्क भर में किसानों के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इजारे यकजहती करते हुए अपने किसान के साथ शाना बशाना खड़े हुए और मुल्क भर में ट्रैक्टर मार्च निकाले, किसान मार्च निकाले। सिंध बलूचिस्तान के हर शहर से किसानों के रैलीज निकाले गए थे। हर तबका सरापा एहतजाज है। किसान एहतजाज कर रहा है कि इस वक्त यूरिया का बहरान है, किसान को अपनी फसल की कीमत नहीं दी जा रही। उनको मालूम है कि जब पीपी का दौर था जो फसल की कीमत भी मिलता था, जब पीपी का दौर था तो इज्जत भी मिलता था, जब पीपी का दौर था किसानों का खिदमत किया जाता था। उनको मालूम है कि जब से ये नाकाम तरीन हुकूमत आया है हमारा ज़रात को तबाह किया है। ज़रात जो हमारा मईशत का बैकबोन है, चाहे वो किसान का मसला हो, चाहे वो मजदूर का मसला हो, चाहे वो तालिबे इल्म का मसला हो या बुजुर्ग पेंशनर्स का मसला हो, हमारा ये तारीख है, ये हमारा रिकॉर्ड है कि कायदे अवाम का वक्त, बीबी शहीद का वक्त हो या सदर जरदारी का वक्त हो, हमने डिलीवर किया है, हमने अवाम को मुश्किल से निकाला है। हमारे दौर में भी महंगाई था। महंगाई का मुकाबला करने के लिए हमने इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आए जिससे इस मुल्क की गरीब तरीन औरतों को माली मदद मिली। हमारा दौर में महंगाई था, अगर हमारा दौर में अगर महंगाई था तो हमने पेंशन में इजाफा करके, तनख्वाह में इजाफा करके,
अपने आवाम के साथ थोड़ा सा तसली दिलवाया था, थोड़ा मदद पहुंचाया था कि अगर मुल्क मुश्किल में है, अगर महंगाई है, तो हम तनख्वाह में इजाफा करके, पेंशन में इजाफा करके मिलके एक कौम होके इस महंगाई का मुकाबला करेंगे। मगर ये जालिम हुकूमत आया है, महंगाई में इजाफा होता रहता है मगर ना तनख्वाह में इजाफा होता है, ना पेंशन में इजाफा होता है, ना अपने किसानों को उनकी फसल की कीमत दी जाती है। हमने बहुत बर्दाश्त किया है, आपके जमहूरी हकूक पे हमले हो रहे हैं, आपके इंसानी हकूक पे हमले हो रहे हैं और आपके मुआशी हकूक पे हमले हो रहे हैं। जैसे आपने कायदे अवाम के साथ दे के उस वक्त के गरीब अवाम को आवाज दिलवा के मुश्किल से निकाला था, जैसे इस मुल्क के अवाम ने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ दे के इस मुल्क के अवाम को तारीख तरीन दौर से निकाला था, अब आपने मेरे साथ देना है, अब आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देना है। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देते हो, अगर पंजाब के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा है, अगर पंजाब के अवाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का मुकाबला करती है तो इमरान को छुपने का जगह नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला, हम सब निकल के इस कठपुतली को भगाएंगे, इस कठपुतली को घर भेज देंगे। हमने इसके झूठ आपने ही सुनना है, आपने बहुत झूठ सुना है। कहता था कि करप्शन का मुकाबला करूंगा, करप्शन करप्शन कह कह के आपका कान तो पका दिया, मगर अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी कह रहा है कि जितना करप्शन इमरान के दौर में हुआ है उतना करप्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ है। करप्शन पे भी आपसे झूठ बोला है, मईशत पे, महंगाई पे, इनके खुद और उनके वजीर मीडिया पे आके कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत तो जबरदस्त चल रहा है, महंगाई पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में महंगाई है ही नहीं। आपने बहुत उनका झूठ बर्दाश्त किया है, आपने बहुत उनका गलत बयानी बर्दाश्त किया है। अब पाकिस्तान के अवाम को मालूम है, आपको मालूम है कि महंगाई है, महंगाई है, और इस महंगाई का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान कठपुतली खान नियाज़ी है। आपका जोश और जज्बा देख के, आपका मोहब्बत देख के मुझे अब मालूम है, मुझे पता है कि ये जालिम हुकूमत ज्यादा देर नहीं रुक सकेगा। वो अपना प्रोपेगेंडा करते रहे, वो अपने साजिश पकाते रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऐलान हो चुका है। जब भी पीपी ने लॉन्ग मार्च निकाला है तो वक्त का जालिम को, वक्त का सिलेक्टेड को सियासी नुकसान पहुंचाया है। अब एक बार फिर आखिरी बार बाहर निकले, एक बार फिर बाहर निकले, मुल्क के कोने कोने से मैं खुद जाऊंगा, हर शहर से खिताब करूंगा, उनको समझाऊंगा, उनको समझाऊंगा कि हमने मिलके इमरान को निकालना है, पूरे पार्लियामेंट को दिखाऊंगा कि अवाम ने अदम एतमाद दिखा दिया, अवाम का एतमाद उठ गया है। अगर अवाम का एतमाद उठ गया है तो वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट का एतमाद इससे छीना जाए, पार्लियामेंट में इस पे
मुसीबत से निकालना चाहे, जीत हार अल्लाह ताला की हाथ में होता है। मगर तारीख गवाह है कि जब तारीख लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि पीपल्स पार्टी के जियाले दीवार बन के इसकी पटली के सामने खड़े थे और इंशाल्लाह ताला हम 27 पे निकल रहे हैं। मैं इमरान साहब को वार्न कर रहा हूं कि इमरान बीवेयर द आइड्स ऑफ मार्च जीए।